में आप लोगों को बताऊंगी ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर किस तरीके से ब्लाउज काट करना है। तो आज मैं आप लोगों को ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर मैं पेपर में काट करके दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है, ये देखिए। ब्लाउज को हम इस तरीके से नापना है, ये देखिए बैक साइड की तरफ से नापना है, ये देखिए ये 38 साइज है। आप लोग को 38 साइज का ब्लाउज काट करके दिखाऊंगा। ये देखिए चेस्ट 38 है और कमर देखना है, इसका कमर कितना है इंच है। ये देखिए कमर तो इसका लंबाई आपको किस तरह से लेना है, तो देखिए आप इसको बॉडी से मेजरमेंट लेना है तो आप इसको फ्रंट साइड की तरफ से मेजरमेंट लेना है, और ब्लाउज से मेजरमेंट लेना है तो देखिए यहाँ से लेना है। ये देखिए इसका लंबाई है, जहां जहां हमें शोल्डर में ज्वाइन किया है वहां से लेना है। ये देखिए इसका लंबाई 14 इंच है, ये देखिए 14 इंच आप देख सकते हैं 14 इंच, और हम सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच ऐड कर दूंगी। तो चलिए अभी इसके हिसाब से मैं ब्लाउज काट करूंगी। ये देखिए सपोज मान लो ये फैब्रिक है, तो देखिए ये पेपर है तो मैं पेपर में सिंगल पेपर ही काट करूंगी। फैब्रिक होने से मैं इसको इस तरीके से फुल कर काट कर लेना था। ये देखिए सबसे पहले हमें ब्लाउज का लंबा लूंगी, उसी ब्लाउज का मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज काट करना है। ये देखिए 14 इंच है और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच, तो इसमें भी 14 इंच और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच लेना है, फिर इसको सीधा कर लूंगी। मैं यहाँ जिस तरीके से मेजरमेंट लिया है ठीक उसी तरीके से फैब्रिक में भी मेजरमेंट लेना है। पेपर का कटिंग और फैब्रिक का कटिंग कोई अलग नहीं है, एक जैसा ही है। तो 38 ब्लाउज में हम शोल्डर लेते हैं 5.5 इंच, तो मैं यहाँ से 5.5 इंच पर रखूंगी। और देखिए अमूल लेना है, अमूल में 38 ब्लाउज में देखना है इसमें अमूल कितना है इंच है। ये देखिए इस तरीके से लेना है, ये देखिए यहाँ से मिलाकर देखना है, जहां से हमें आम होल सिलाई किया है यहाँ से, ये देखिए 6 इंच बराबर है, तो यहाँ से मैं 6 इंच का आम होल लूंगी। फिर इसको सीधा कर लूंगी और यहाँ से भी 5.5 इंच बराबर लेना है। अभी मैं चेस्ट का मेजरमेंट लूंगी। चेस्ट का मेजरमेंट किस तरह से लेना है, ये 38 साइज है, ये 38 साइज से 38 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। 38 को 4 से डिवाइड करने से 9.5 इंच, तो मैं यहां से देखिए चेस्ट लूंगी 9.5 इंच। फिर देखिए यहां से सिलाई के लिए इस तक कितना इस तक रखना है आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मैं यहां से 1.5 इंच का रखूंगी। फिर देखिए इसमें 11 इंच है, यहाँ से मैं कमर में 1 इंच कम कर दूंगी, तो यहाँ से मैं 10 इंच पर कमर रखूंगी। फिटिंग्स करने के बाद जो भी इसका फैब्रिक है आप रखना है तो रख सकते हो, नहीं रखना है तो आप इसको काट कर फेंक सकते हो। तो अभी देखिए नेक कितना इंच तक लेना है, नेक आपको अगर दोरी रखना है तो आप यहाँ से 2.5 इंच 3 इंच इस तरीके से रख सकते हो, अगर दोरी नहीं रखना है तो आप यहाँ से 2 इंच रखना है। अगर 2 इंच नहीं रखने से 2.5 इंच 3 इंच इस तरीके से रखने से आपका शोल्डर गिर जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ से कितने इंच तक आपको नेक डीप रखना है आप अपने हिसाब से रख लीजिए, मैं यहाँ से 9 इंच पर रखूंगी। यहाँ से देखिए इसमें मैं 2 इंच लिया है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर रखूंगी, थोड़ा सा डीप नेक बनाना है। फिर इसको इस तरीके से मिला लेना है। फिर इसमें आप कौन सा नेक डिजाइन बनाना है आप अपनी पसंद के हिसाब से नेक डिजाइन बना लीजिए, मैं यहाँ ऐसे नॉर्मली राउंड नेक बना लूंगी। तो देखिए राउंड नेक बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से अंदर की तरफ से लेना है, फिर इसको इसके साथ मिला लेना है। तो अभी देखिए यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है, ये मैं देखिए
इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का मेजरमेंट लूंगी। ये देखिए, ये देखिए 1.5 इंच से 200 ज्यादा मिलता है, हम यहाँ से लूंगी। फिर इसको इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए 200 का लगभग यहाँ से नीचे से डाउन करना है। तभी मैं इसको काट कर लूंगी। अब मैं फ्रंट पार्ट काट करूंगी। ये देखिए फ्रंट पार्ट किस तरीके से काट करना है। ये देखिए कटा हुआ बैक पार्ट को हम इस पेपर को ऊपर रखूंगी। ये देखिए पहले इसको मेजरमेंट ले लेना है। ये देखिए इसका हिसाब से निशाना लगा लूंगी। तो देखिए पहले इसको मिला देना है। और ये देखिए ये बैक साइड का निशान है, तो अभी मैं इसको मिलाऊंगी। उसके बाद हमें देखिए यहाँ से फ्रंट साइड के लिए शेप लगाना है। ये देखिए हाफ ब्लाउज में ये फ्रंट साइड के लिए आमहोल में शेप लगाना पड़ता है। यहाँ से मैं हाफ इंच पर शेप लगाऊंगी, फिर इसको मिला लूंगी। आप लोगों को एक बार ध्यान में रखना है, जब भी ब्राकेट ब्लाउज काट करते हैं तो उस टाइम पे क्या करना है, थोड़ा अपने तरह से भी आइडिया लगाना पड़ता है। यहाँ भी ठीक इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगाना है। ये देखिए यहाँ से अभी मैं फ्रंट नेक लूंगी। जैसे कि ये बैक साइड की तरफ से डीप नेक है, मैं यहाँ से 5.5 इंच ही रखूंगी नॉर्मल, और यहाँ से फ्रंट नेक को शेप देने के लिए 1.5 इंच। तो पहले मैं इस पॉइंट को सीधा कर लूंगी। फिर इसको भी सीधा कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए ये बैक पार्ट का निशान है, तो अभी हम फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है। तो देखिए यहां से मैं एक्स्ट्रा 2 इंच लूंगी। ये देखिए ये बैक साइड का निशान है, बैक साइड से हमें फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा 2 इंच रखना पड़ता है। तो किस लिए रखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ से मैं कतुई का पाँच सिलाई करेगा तो इसमें कपड़ा कम हो जाएगा, तो अगर 2 इंच नहीं रखने से आपका ब्लाउज फ्रंट साइड की तरफ से छोटा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से 2 इंच, फिर इसको सीधा कर लूंगा। तो इसमें देखिए इसमें भी आप आइडिया ही लगाना है, फ्रंट नेक डीप आपको कितना हिस्सा काटना है। अगर आप ज्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिए, अगर कम चाहिए तो आप कम कर लीजिए। इसे कम करने से 2.5 इंच से कम नहीं करना है। और यहाँ से देखिए मैं यहाँ से 3 इंच पर रखूंगी, क्योंकि बैक साइड की तरफ से डीप नेक है, तो मैं यहाँ से 3 इंच पर रखूंगी। फिर देखिए इसको हल्का सा शेप मिलाना है, जहां से देखिए 5.5 इंच का नेक लिया है वहां से इस तरीके से। अब इसको कितना गहरा में रखकर शेप मिलाना है आप अपने हिसाब से मिला लीजिए। ज्यादा गहरा में रखने से आपका नेक बी शेप हो जाएगा, अगर थोड़ा सा उठाकर रखने से आपका नेक राउंड शेप हो जाएगा। तो अभी देखिए कतरे के लिए मेजरमेंट लेना है। तो जैसे कि हम इस ब्लाउज के हिसाब से काट कर रहे हैं, तो इस ब्लाउज का मेजरमेंट ले लूंगी। तो ब्लाउज को हम पहले इस तरीके से उल्टा साइड की तरफ से लेना है। ये देखिए तो देखना है इसका कतरी का साइज कितना इंच तक है। ये देखिए जो भी सिलाई किया है, जो भी एक्स्ट्रा सिलाई किया है उसको भी नाप लेना है। ये देखिए इस सिलाई तक नापना है। ये देखिए ये 8 इंच से 200 ज्यादा आता है, तो मैं यहां से देखिए 8 इंच से 200 ज्यादा लूंगी। 8 इंच से 200 ज्यादा लूंगी। ये देखिए
तो अभी ध्यान में रखना है यहाँ से 4.5 इंच मिनिमम देना चाहिए। अभी मैं इसको मेजरमेंट लेकर देखती हूँ कितना इंच तक है। ये देखिए ये 4.5 इंच एकदम बराबर है। तो अभी देखिए यहाँ से भी मेजरमेंट लेना है, इसको टैक्स का पॉइंट कहता है। आप इसको यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। मैं जब भी ब्लाउज काट करती हूँ मैं यहाँ से ले लेती हूँ। अगर आप यहाँ से लेना है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से लेना है तो आपका टैक्स कितने इंच तक आता है आप उसी के हिसाब से रखना है। तो देखिए यहाँ से इसको लेना है, ये कितने इंच तक आता है, इसको कहाँ से नापना है, यहाँ से नापना है। यहाँ से नापना है मतलब इसमें हाफ इंच, देखिए सिलाई में दबा है तो हम हाफ इंच इस तरह ज़्यादा लेकर नापूंगी इस तरीके से। फिर इसमें यहाँ तक नापना है, ये देखिए ये 5.5 इंच इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। ये देखिए यहाँ से मैं 5.5 इंच पर रखूंगी। फिर इसको मैं सीधा कर लूंगी। ये देखिए सीधा कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ से मैं 1 इंच तक ऊपर में उठाऊंगी। अगर आपको कतरी का शेप ज्यादा चाहिए तो आप यहाँ से 1.5 इंच उठा सकते हैं। मुझे कतरी का शेप उतना नहीं चाहिए, अगर आप चाहिए तो आप यहाँ से उठा लीजिए और यहाँ से भी 1 इंच। फिर इसको देखिए जो भी मिला है हम इसको हाफ कर लूंगे, इसको हाफ कर लूंगी। ये देखिए यहाँ तक हाफ किया है, तो देखिए जहां से हाफ किया है वहां से मैं इसको मिला दूंगी। इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए काटने के टाइम में इसको थोड़ा सा गोलाई में सेप मिलाकर काट कर लेना है। तो अभी देखिए यहां से और एक मेजरमेंट लेना है। ये मेजरमेंट आपको किस तरह से लेना है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से रख सकती हैं। ये देखिए ये 3 इंच का लगभग आता है, ये देखिए 3 इंच का लगभग आता है। तो मैं यहाँ से इस तरीके भी ले सकती हूँ। ये देखिए यहाँ से भी 3 इंच का लगभग आता है। ये देखिए 2 फुट कम है, तो 2 फुट कम होने से भी कुछ नहीं होता है। तो अभी मैं इसको मिला लूँगी, देखिए जहाँ से 5.5 इंच का निशाना दिया है वहाँ से मिला लूँगी। ये देखिए इस पॉइंट को मिला देना है। और अभी देखिए यहाँ से कितना इंच तक लेना है, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा ही ले लूंगी। मैं यहाँ से 6.5 इंच पर रखूंगी। फिर इसको देखिए यहाँ से इस तरह से 4.5 इंच रखते हुए यहाँ से तीसरा मिलाना है। इस तरीके से तीसरा मिलाना है, बाद में ज्यादा फेब्रिक में से इसको काट कर लेना है। ज्यादा फेब्रिक रखकर काट करने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम होने से थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखिए तो अभी मैं नीचे का और एकत्री का मेजरमेंट लूंगी। ये देखिए ये यही पार्ट है। ये देखिए इस पार्ट को किस तरह से लेना है, इसको भी इस तरह से नापना है। ये देखिए ये मैं 4 इंच तक लिया है, यहां से मैं 4 इंच लूंगी। 4 इंच और देखिए यहां से तो आपको मेजरमेंट लेना ही है, तो ये मेजरमेंट को आप याद करके रखना है। ये देखिए यहां से 1.5 इंच। ये सिर्फ एक ही ब्लाउज में नहीं है, हर ब्लाउज में इसका काम आएगा। और देखिए यहां से हाफ इंच, यहां से तो देखिए आप इसको कितना इंच तक उठा रहे आप अपने हिसाब से उठा सकते, लेकिन इसको इसी मेजरमेंट रखकर हर ब्लाउज में काट करना है। हर ब्लाउज में क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा लंबाई कम ज्यादा होगा, लेकिन ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों कभी चेंज नहीं होगा। और फिर देखिए इसको मिलाना है इस तरीके से। फिर देखिए पहले इसको इस तरीके से सीधा मिला लूंगी इस तरह से। और यहां से देखिए यहाँ से आप आपका साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकती है। ये 38 साइज है, तो यहाँ से देखिए कितने इंच तक लिया है। ये देखिए यहाँ से 3.5 इंच तक लिया है, और देखिए यहाँ से 3.5 इंच बराबर है। और यहाँ से भी यहाँ से मैं 2 इंच पर रखूंगी,
फिर इसको देखिए, जहाँ से हाफ किया है वहाँ से निशाना मिलाकर हम इसको हाफ कर लेंगे इस तरह से। फिर इसको देखिए, दो सूट का लगभग हमें इस तरीके से मिलाना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इसका डैपिंग कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ एक बार ध्यान से सुनिए, फैब्रिक और पेपर का कटिंग में कोई मेजरमेंट अलग नहीं है, एक जैसा ही मेजरमेंट है। जिस तरीके से मैं यहाँ पेपर में काट के है ठीक उसी तरीके से ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर फैब्रिक में भी काट करना है, कोई भी अलग मेजरमेंट नहीं ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा किस तरीके से ब्लाउज से मेजरमेंट लेकर फैब्रिक और पेपर में काट करना है और नहीं तो अस्तर में काट करना है। तो इस तरीके से काट करने से आपका ब्लाउज परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगा। इसको काट कर लो, देखिए देखिए इसको तो आप आइडिया से भी काट कर सकते हैं, क्योंकि जिसको आता नहीं है उसको मेजरमेंट लेकर काट करना पड़ता है। ये देखिए युग पट्टी के लिए आप अलग से पट्टी काट करना है तो आप उसको थोड़ा सा सूता काट कर लीजिए, अगर आप उसको एक ही साथ में काट करना है तो आप एक ही साथ में मेजरमेंट ले लीजिए। ये देखिए युग पट्टी को आप कमर के मेजरमेंट के हिसाब से काट करना है। देखिए इसमें कमर कितना इंच तक है, देखिए इस तरह फेब्रिक लेकर कितना इंच तक है, इसमें 36 इंच तक है। तो 36 यहां से लेना है, देखिए तो इसमें देखिए 36 होने से मैं यहां से 9 इंच पर रखूंगी, फिर इसको सीधा मिला लूंगी। फिर देखिए एक ही साथ में काट करने से क्या करना है, यहाँ से 5.5 इंच लेना है और यहाँ से देखिए सेंटर से 4.5 इंच और यहाँ से 5 इंच, फिर इसको इस तरीके से मिलाना है। इस तरह से इसको काटने के टाइम थोड़ा सा गुलाई में मिलाकर काट करना है। अगर आप अलग से जो पोटी के लिए पोटी काट करना था, अब यहाँ से 4.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच और यहाँ से 4 इंच, ये देखिए जैसे आपको सुविधा लगे तब आप उसी के हिसाब से काट कर लीजिए। जैसे कि देखिए इस ब्लाउज में युग पट्टी के लिए अलग से पट्टी काटने किया है तो मैं ऊपर का मेजरमेंट काट कर लूंगी। अभी मैं स्लीव काट करूंगा, ये देखिए इसमें देखना है स्लीव कितना इंच तक लंबाई है। स्लीव का लंबाई आप अपने हिसाब से रख दीजिए कम ज्यादा। यहां से देखिए इसका लंबाई 9 इंच है और सिलाई के लिए इसका 1 इंच, तो टोटल 10 इंच है। यहां से स्लीव का लंबाई लेना है 10 इंच। और देखिए इसको इस तरीके से मेजरमेंट लेकर देखना है स्लीव को, ये कितने इंच तक काट किया है, ये देखिए ये 9.5 इंच तक काट किया है। मैं यहाँ से 9.5 इंच तक इस तरीके से लूंगी, ये देखिए यहाँ तक आता है और यहाँ से देखिए आपका स्लीव का राउंड जितने इंच है आप उतना इंच ले लीजिए। मैं यहाँ से देखिए स्लीव का राउंड 5 इंच है और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1.5 इंच है। तो यहाँ से देखिए 5 इंच और सिलाई के लिए इसका 1.5 इंच, फिर इसको मिलाओ। मिलाने के बाद देखिए इसको इस तरीके से, यहाँ देखिए आइडिया से आपको स्लिप को मेजरमेंट लेना है। तो अगर आपको आइडिया से नहीं लेना है तो आप यहाँ से 2 इंच के मेजरमेंट ले लीजिए, 2 इंच तक इसको आप सीधा ही रखिए, फिर यहाँ से धीरे धीरे से
इस तरीके से नीचे लाना है और यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है, ये आपको कितने इंच तक रखना है, ये मैं 5.5 इंच पर रखना है। यहाँ से भी मेजरमेंट लेना है, ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से बस इस तरीके से तब इसको काट कर लूंगी। ये देखिए कटिंग कंप्लीट है, मैं दिखाती हूँ इसको किस तरीके से काट किया है। ये देखिए ये फ्रंट साइड है और ये यू पोटी है। और ये स्लीप है और ये बैक साइड है। देखिए यहाँ फैब्रिक और पेपर में कोई भी आला काट नहीं है, जिस तरीके से मैं यह काट के ठीक उसी तरीके से फैब्रिक में काट कर लीजिए। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।